का VDI वेरिएंट कंप्लीट सेटअप हम लोग इसके अंदर देखेंगे विद द लेटेस्ट अलॉय व्हील डिज़ाइन व्हील कैप्स जो एक्सक्लूसिव ये पर आप लोग देखेंगे, नॉट द रेगुलर वन जो आज तक हम लोग ने देखेंगे, एंड कंप्लीट सेटअप भी हम लोग देखेंगे। बट बिफोर स्टार्ट सर भी हमारे साथ है। सर मैं पहले आपसे जानूंगा, जरा व्यूअर्स को अपना नाम बताएं। दत्ता, मायसेल्फ दत्ता, आई एम कमिंग फ्रॉम एरोली। कैसे पता चला सर शॉप के बारे में? नॉर्मली यूट्यूब से मैंने देखा था आपका और काफ़ी अच्छा आया था, मुझे बहुत आया था, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट भी मिले थे इसके ऊपर से और बहुत अच्छा लुक लगा था। जो आप डेली कस्टमर की तरफ से मुझे देखा भी था, जो आपको मैंने कॉन्टेक्ट भी किया था उसके बाद बहुत जो कार्ड वगैरह लगाया है सब तो पहले पब्लिक भी देख चुकी है, आपको भी पता ही है, बट स्पेशली जो व्हील कैप लगाया हुआ है जो एक अलॉय व्हील भी ZDI प्लस का फेल लग रहा है, कैप कैसा लग रहा है एंड एक इंटीरियर जो किया हुआ है वो कैसा लग रहा है, दो लाइन क्या बोलेंगे देखने वाले? जो मैंने पहला जो नॉर्मली इनका जो पहला वीडियो देखा था तो काफ़ी मैं इम्प्रेस था और जो आज मैंने देखा स्पेशली अलॉय व्हील का भी देखा था, जो इंटीरियर का भी बहुत अच्छा है, आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो मैं यून तो अदर पीपल्स को भी यही करूँगा कि जैसा आप भी नॉर्मली आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हो, यून तो ये अच्छा सजेस्ट भी कर सकते हैं, कर रहे हैं नॉर्मली, तो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सर, इतना दूर से आप आए, उनके फ्रेंड है, उनकी भी गाड़ी का पहले हमने काम किया था, BRV का किया, उम्मीद करते आगे दूसरी फिर से मेक ओवर के लिए आए। थैंक यू। स्टार्ट करेंगे व्हील कैप से। सो द लेटेस्ट व्हील कैप जो इसके अंदर लगाए हुए हैं डायमंड कट डिज़ाइन के भी ऊपर, जो लास्ट वीडियोस में हम लोग ने देखे थे द क्रैब हैमर डिज़ाइन जो इसको बोलते हैं, जस्ट लुक एट द डिज़ाइन एंड द फिनिशिंग ऑफ द व्हील कैप, कोई वो टाई क्लिप वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन मैं आप लोग को बोलूँगा इट इज़ अ व्हील कैप नॉट अ अलॉय व्हील। जेड मॉडल में भी ऐसा लुक मेरे हिसाब से नहीं आएगा, जो वी मॉडल में कंपनी के इनके कैप्स लगे हुए थे वो रिप्लेस करके वाइट कार पे जस्ट सीधा अलॉय व्हील लुक, जो नियो के सिग्मा अलॉयज आते हैं उसको सिमिलर डिज़ाइन एक व्हील कैप पे दिया हुआ है एंड इसमें काफ़ी फेक भी आ रहे हैं, बट इट दिस वन इज़ द ओरिजिनल वन जो मारुति सुजुकी के इसके साथ हमने लगाया हुआ है। एंड ये मैं वंस अगेन आपको बोलूँगा ये कोई वो रेगुलर कंप्यूटराइज्ड स्टिकर वगैरह नहीं है, ये ओरिजिनल जो आप लोगों देख रहे हैं उस चीज़ के हिसाब से ये पूरी बात है। सो जस्ट सी द व्हील कैप, कोई वो टाई क्लिप और वो सब मारने की अपने को ज़रूरत नहीं है, मेड इन ताइवान के ये ओरिजिनल आते हैं, न्यूली लॉन्च्ड है एंड एक एक एजेस पे आप फिनिशिंग और फिटिंग देखिए, वो कुछ भी गैप वगैरह अपने को नहीं, ना कि खड्डे में गया तो निकल गया कि क्या है क्या नहीं है, जस्ट सीधा। इसमें और भी चार डिज़ाइन है, नेक्स्ट वीडियोस में वो भी आप लोग देखेंगे, बट दिस वन इज़ द लेटेस्ट क्रैब हैमर व्हील कैप जो इसके अंदर हमने लगाया। कमिंग टू द फ्रंट लुक, वंस अगेन द फ्रंट बम्पर इन द स्टारडम किट ब्लैक के अंदर लगाई हुई है, हेडलैम्प DRL, फॉग लैम्प DRL, हेडलैम्प DRL इन द एल शेप, एक लुक फिनिशिंग एंड इंटेंसिटी हम लोग देख सकते हैं कि कैसी है एंड क्या है, कोई कांच वगैरह वंस अगेन ओपन नहीं की है, उस हिसाब से पूरा लुक है। जस्ट सी द फोकस एंड द थ्रो ऑफ द लाइट ऑन द रोड, दीज आर जस्ट द फॉग लैम्प्स जो अभी ऑफ ऑन है, ऑफ करना फॉग लैम्प, ऑफ करना, दिस इज द फॉग लैम्प ऑफ, फॉग लैम्प ओनली ऑन है एंड कोई प्रोजेक्टर है नॉर्मल जो अपनी CR क्वाली जो DRL आती है वो चीज़ उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे ऊपर का डिज़ाइन प्लेन है, नीचे का भी डिज़ाइन प्लेन वाला करके उसके अंदर लगाया हुआ है, हैंडल क्रोम्स वंस अगेन, रेन वाइजर्स, लोअर विंडो क्रोम अप टिल द अपर, दिस थिंग ये है। कमिंग टू द इंटीरियर हैज वंस अगेन बीन डन इन द वैनिला एंड द ब्राउन, जो गाड़ी का अपना इंटीरियर है, जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर जो अपने को मिल रही है, डोर स्विच को बंद करना जरा, बेज एंड ब्राउन जो गाड़ी का इंटीरियर आ रहा है अल्टिगा में, उस हिसाब से कंप्लीट इंटीरियर हम लोग देख सकते हैं। इसकी फिनिशिंग आप लोग देखिए, नॉट द रेगुलर जो वो सिलाई वाले पैटर्न कुछ भी नहीं है, जो एम्बोस्ड डिज़ाइन है टॉप गियर का, जो एक चाइना से इन्होंने मशीन्स ये इंपोर्ट की हुई हैं जिससे ये पूरा का पूरा डिज़ाइन एम्बोस होता है कि नॉट द स्टिच वन, तो वो हम लोग देख सकते हैं। फ्रंट आर्मरेस्ट बाय डिफॉल्ट जो बेज कलर
मैचिंग जिसके अंदर ये है विद द हाइट एडजस्टर, ये बटन मैंने दबाया ये लिफ्ट हो गया फॉर द फ्रंट दिस थिंग के। ये स्टेयरिंग कवर इज बाई डिफॉल्ट इन द सेम कलर कॉम्बिनेशन। फर्स्ट टाइम इन द चैनल इज द इट इज़ द टॉप गेयर हनीकॉम मैट्स स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर अर्टिगा। ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सल पांच पीस टुकड़े वाली मैट डाल दी है, आगे की आप लोग देख सकते हैं इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स के साथ, एंड पीछे की मैं आप लोग को बताऊंगा। वन पीस हनीकॉम इन द रियर, कि ये नहीं है कि अपने को कुछ जॉइंट दिख रहा है कि क्या है, इट इज़ डिजाइंड फॉर अर्टिगा, नॉट द ग्रास एंड एवरीथिंग। टॉप गियर की हनीकॉम मैट्स स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर अर्टिगा, कि पहले ये फ्लोरिंग लैमिनेशन कर दिया 4D ब्रांड का एंड उसके ऊपर ही हनीकॉम मैट्स हम लोग देख सकते हैं। सो सीट कवर्स, फ्लोर मैट्स, विंडो शेड इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं धूप के लिए जो लगाया हुआ है। स्टेयरिंग कवर हैज़ बीन कम्प्लीटली स्टिच्ड। म्यूजिक सिस्टम वंस अगेन ऑफ द स्मार्ट ब्रांड, 2GB रैम, 16GB मेमोरी, कंप्लीट इंटरफेस आप लोग देखिए विद द गूगल मैप्स, यूट्यूब, GPS नेविगेशन, रिवर्स कैमरे की क्लैरिटी नाइट मोड में, जस्ट सी द क्लैरिटी जो फ्रेंड जिसके अंदर मिल रही है, नॉट इवन अ सिंगल डॉट या लाइन है। क्रिस्टल क्लियर जो नंबर प्लेट माउंटेड कैमरा है वो उसके अंदर हम लोग ने लगाया हुआ है। जस्ट गिव द इंटरनेट हॉटस्पॉट, यूट्यूब, गूगल मैप्स, नेविगेशन, GPS, एवरीथिंग इज इन बिल्ट। वुडन कॉन्सेप्ट मैट शेड जो आता है सेट ऑफ सिक्स पीसेस वाला, सो ऊपर का ये मूस ग्रे कलर कंपनी का रखा है, देन द वुडन, सो डैशबोर्ड पे भी हम लोग वैसा ही देखेंगे, इट इज़ द मूस ग्रे, देन द ओरिजिनल एंड जस्ट द सिक्स पीस जैसा हमारे सीट कवर में शेड है। नाइट का टाइम है फिर भी एक दिखाने की आप लोग को कोशिश है, कंप्लीट मीन्स कंप्लीट। स्टेयरिंग कवर ऑफ द टॉप गियर ब्रांड, कंप्लीट स्टिचिंग एंड फिनिशिंग इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। कमिंग टू द रियर लुक, द रियर बम्पर हैज ऑल्सो बीन इंस्टॉल्ड इन द वाइट एंड क्रोम, नॉट द रेगुलर जो अपन एग्जॉस्ट वाले देखते हैं, वो तो अच्छे हैं ही, बट कस्टमर की चॉइस थी कि थोड़ा सा सिंपल रखना है, सो वाइट बम्पर, क्रोम पीछे हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्टर लाइट्स एंड एवरीथिंग के साथ पूरा सेटअप हम लोग देख सकते हैं। सो लेटेस्ट क्रैब हैमर व्हील कैप जो इसके अंदर हम लोग ने देखा फर्स्ट टाइम इन द चैनल, एंड द फ्रंट लुक के साथ कंप्लीट सेटअप हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द अर्टिगा 2020 व्हाइट कलर VDI मॉडिफाइड विद ऑल द लेटेस्ट एक्सेसरीज। एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना है, प्लेलिस्ट में आप लोग को जाना है, वीडियोस काफ़ी हो चुके हैं, सो अर्टिगा के बेस्ट वीडियोस के लिए दे आर जॉटेड डाउन इन द प्लेलिस्ट, सो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, सो 6 महीने से 7 महीने से जो भी वीडियोस करते आए हुए हैं तो उसके अंदर कंप्लीट वीडियो हम लोग देख सकते हैं। आई वंस अगेन थैंक ऑल माई व्यूअर्स एंड सपोर्टर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं अर्टिगा के लिए, एंड दिल से मेरा उनको शुक्रिया है, एंड लाइक और कमेंट ज़रूर करना है वीडियो पे कि इतना हर चीज़ हम लोग कुछ इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग के साइड से एक छोटा सा फेवर ये है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एड्रेस इज मेंशनड ऑन द चैनल अबव, शॉप वाशी नवी मुंबई में लोकेटेड है, मॉर्निंग 9 to evening 7, मंडे छोड़ के हर दिन आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये गाड़ी में बात करें तो कंप्लीट एक 90,000 का सर ने एक्सपेंस खर्चा किया है, उस हिसाब से कंप्लीट कोट है, आइटम्स आर डिस्क्रिप्शन इन द लिस्ट एंड व्हाट्सएप पे प्राइस आपको आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, व्हील कैप्स की अगर अपन बात करें तो 5,000 के नीचे के रेंज के पड़ते हैं प्राइजेस के लिए, एंड अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग साइजेज हैं, उसके लिए अपन व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग।